हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। सो आज नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। बढ़िया सा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर, और मतलब गर्मी तो है पर थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मौसम बढ़िया लग रहा था। इसके बाद मैं आज जा रही हूँ नीचे, तो नीचे सबकी अंतो वगैरह हो गई है और हमने शाम को जो है फुल्की वगैरह खा ली थी ना, तो उसके बाद से ही कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था, और जब कुछ भी खाने का मन नहीं हो फिर ये तो मतलब ये खा भी जाता है। तो पूड़ी, चूड़ा, नमकीन, हरी मिर्ची वगैरह ये सब कुछ, अचार वगैरह, तो मैंने एक पराठा एक पूड़ी यही खा ली थी, और इन लोग ने दही वगैरह खा लिया था, तो कुछ आज बनाया नहीं है शाम को अंतो में। इसके बाद ना हम का यहाँ पे रोज़ का काम है, सारे बिस्तर ख़राब कर देता है। जहाँ बच्चे हैं ना वहाँ तो समटा रह ही नहीं सकता, वो लोग पूरे टाइम बिगाड़ के ही रखते हैं। और हम तो स्टेबल पे ऐसे खेलता है जैसे उसी के लिए खरीदी थी, खेलने के लिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, यही चलता है उसका। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मूँगफली जो है वो फ्राई कर ली है, और फिर इनको निकाल के नमक वगैरह मैं डाल लूँगी। ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल लिया था, बट फिर वो मतलब निकाल ली थी उसमें से। तो रात में कभी कभी मुझे ऐसे भूख जैसे लगने लगता, क्योंकि शाम को जल्दी खाना हो जाता है, तो फिर मैंने मूँगफली थोड़ी सी तल ली थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया जाता, बट मन में ऐसा लगता भूख लगी भूख लगी, थोड़ा सा भी खा लो तो ऐसा लगता हाँ हो गया। नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे रोज़ की तरह, सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे हमारा बन रहा है खाना, अभी मंदिर भी होके आ गई हूँ मैं, और मंदिर में आए हुए हैं महाराज जी कंचन विहार में, प्रसाद सागर जी महाराज जी, जो पहले तेंदुखेड़ा में थे, पाटन, अब जबलपुर में। तो बस आज उनका पड़गाहन वगैरह देखा हमने, और आहार नहीं देखी क्योंकि टाइम हो जाता ना शशांक का, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो हमने उनका पड़गाहन वगैरह देखा, तीन महाराज जी का संग था। इसके बाद घर आके चेंज वेंज करके यहाँ पे मैं रोटी वगैरह बनाने लग गई हूँ, और बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी का तो क्या ही बताए, पता नहीं कब चेंज होगा मौसम। मैंने बताया था ना 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर ना शाम को मैंने मम्मी से नज़र भी उतरवाई और बीपी भी चेक किया, तो कम था थोड़ा, और 106 आ रहा था रात में तो। और मुझे एकदम गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी जब शशांक और अरुण का खाना हो रहा था, इतनी ज़्यादा कि वॉमिट हो गई थी। नॉर्मली अब मुझे वॉमिट होती नहीं है, 4 महीने हुई हैं शुरू में, उसके बाद अब नहीं होती, बट कल बहुत ज़्यादा एकदम से घबराहट हो रही थी और फिर वॉमिट हो गई। फिर मैंने बीपी वगैरह चेक किया तो लो आ रहा था, बट फिर सुबह ठीक है, मतलब सुबह से फिर मैं ठीक थी। बीपी फिर से चेक किया था तो सही था, 112 करीब आ रहा था, उतना सही रहता है। तो बस मुझे लग ही रहा था 2 दिन से कि कुछ तो सही नहीं लग रहा है, और एनर्जी भी नहीं थी बिल्कुल भी, बट अभी ठीक हूँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पे ना मैं शशांक की थाली लगा रही हूँ, तो आज बनी है भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी है। ककड़ी अभी मिली सी नहीं रही है, शिवनगर जाती है मम्मी तो वहाँ पे तो नहीं दिख रही है, तो सैलेड में ककड़ी वगैरह तो नहीं है, बट खाना पूरा अच्छा वाला बना है, हेल्दी हेल्दी। तो बस यहाँ पे शशांक खाना खा रहे हैं, शशांक का हो जाएगा तो फिर मैं यहीं पर अरम की भी थाली लगा दूँगी, और बीच बीच में पानी पीती जाती हूँ। और वो गुड़ वाली, गुड़ की जो चिक्की बनाई है ना, वो बढ़िया बनी, मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में, अभी तो मैंने नहीं शूट की है पर अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो बढ़िया बनी है और टेस्टी भी बनी है। तो मैंने चने वगैरह भी डाल दिए थे, बॉईल कर लिए हैं, और उसके साथ फिर मैं फ्राई व्राई करके उसके साथ फिर मैं खा लूँगी, तो बस टेस्टी है तो खप भी जाएगी। इसके बाद ना फटाफट से मैंने किचन के सारे काम निपटा लिए हैं, फिर जाके रेस्ट करूँगी थोड़ा देर। और मैं ना बीच बीच में बैठ भी जाती हूँ, बंद कर देती हूँ गैस, क्योंकि ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रहती हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए बंद कर देती हूँ अरम को। बीच में जैसे रोटियाँ बन गई तो फिर मैं अरम को थोड़ा बहुत चावल वगैरह, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है ना, तो फिर मैं खिला देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करती हूँ। और फिर दोपहर में मिल रही हूँ आपसे, यहाँ पर जो है भैया भाभी आए हुए हैं, अक्षु आई हुई है, अक्षु का मुंडन हो गया था, तो बस अक्षु भी आई हुई है, मतलब सिद्धार्थ लेने आया था रिया को, तो बस लौटते टाइम मैंने बुला लिया था कि घर आना, मिलते हुए जाना, फिर मैं मिल नहीं पाऊँगी बहुत टाइम तक। तो बस यहाँ पे
उन लोग आए हुए थे और करीब 1 घंटे के करीब यहाँ पे रुके और फिर उन लोग निकल गए। इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, ऊपर आई हुई हूँ और बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ पे कंघी वंगी करके फेस वॉश करके फिर नीचे जाऊँगी और थोड़ा बहुत टहलना भी है मुझे क्योंकि दिन भर में फिर ऐसे हो नहीं पाता है, तो बस मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूँगी उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। अभी अंत वगैरह नहीं की है बट फिर ना अभी फिर से नीचे जाऊँगी फिर ऊपर आऊँगी वॉक करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी देर ऐसे ही टहल लूँगी उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी तो अंत वगैरह होगी। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और कुछ भी फेस वॉश वगैरह भी मैं नहीं लगाती हूँ शाम बाम को, मतलब मॉर्निंग में बस एक बार ही लगाती हूँ, बाकी फेस वगैरह बहुत क्लीन सा दिख रहा है अभी। इसके बाद मैं वॉक करने के लिए बाहर आ गई थी और थोड़ा देर वॉक करके फिर मैं जा रही हूँ नीचे। बस यहाँ पे थोड़ा देर वॉक की मैंने और उसके बाद फिर मैंने सोचा शाम हो गई है तो थोड़ा सा पौधे में पानी डाल देती हूँ और कूलर वगैरह भी भरने रहते हैं तो मैं इसी टाइम पे कूलर वगैरह भी भर देती हूँ क्योंकि फिर रात में आते हैं ना जब ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसलिए मैं सारे काम पहले ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पौधों में पानी डाला और इसमें बहुत अच्छे से खुद से ही उग गए थे ये, मतलब बाजू में इसका पेड़ लगा था तो, और इसमें अलग अलग कलर के फूल आते, वो तो वाइट वाला बस था बट इसमें अलग अलग पिंक आते हैं और वाइट आते हैं। तो बस यहाँ पे जो मीठी नीम है ना वो बहुत अच्छी हो रही है, अभी गर्मियों में बहुत अच्छी हो जाती है जबकि मैं ना कोई खाद वगैरह भी नहीं डालती, मैं उतनी केयर भी नहीं करती, बस पानी डाल देती हूँ दोनों टाइम यदि ज़्यादा गर्मी है तो, नहीं तो फिर एक टाइम बारिश वगैरह होती तो फिर नहीं डालती हूँ। तो फिर भी ये काफ़ी अच्छी हो रही है और ये वाले दूसरे वाले गमले में भी ये बहुत अच्छे से हो रही है, सारे ही पौधे अभी तो अच्छे हो रहे हैं। और बस यहाँ पर पौधे वगैरह को मैंने पानी दे के फिर इसके बाद फिर नीचे जा रही हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।